नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, पहले ओवरव्यू बनाएंगे, उसके बाद हम कोलिनर्जिक सिस्टम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है? ये हमें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ग्लूकोज और जो हमारी स्केलेटल मसल्स उनको तैयार करता है, वहां पर परफ्यूजन बढ़ाता है। ये मेड्रियासिस करा सकता है, ये ब्रोंको डायलेशन करा सकता है, मतलब ये कि ये बॉडी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसके अपोजिट पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें रेस्ट या डाइजेस्ट के लिए तैयार करता है। इसमें हम मायोसिस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकियल सिक्रीशन के डिक्रीज होते हुए घटनाएं देखते हैं। ये इंसुलिन रिलीज कराता है और ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए कैसे तैयार करता है। वो सारी घटनाएं जो हमारी बॉडी के लिए सपोर्ट करती हैं, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो, सलाइवा का स्टिमुलेशन हो, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन आप इससे जब कंपेरिजन करते हैं इन सारी घटनाओं को सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो ये फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करती हैं। तो आप देखें, यहाँ हार्ट बीट पैरासिंपेथेटिक में कम हो जाता है, जबकि सिंपैथेटिक में हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये रिलैक्स करता है, ये स्टमक के एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, ये डिक्रीज करते हैं, ये ग्लूकोज के रिलीज होने को इनहिबिट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गॉल ब्लैडर को, जबकि यहां पर देखेंगे आप ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोज के रिलीज होने को और ये गॉल ब्लैडर को इनहिबिट करते हैं, ये इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि आप यहां पर देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंटेस्टाइनल एक्टिविटी इनहिबिट होती है। इतना ही नहीं, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी जो हमें स्ट्रेस कंडीशन में देखने को मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज किया जाता है। ब्लैडर का रिलैक्स होना, प्रमोट इजैकुलेशन और वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होती हैं, जबकि यहाँ पर आप इसके अपोजिट देखेंगे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इरेक्शन प्रमोट करता है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल फंक्शन में एक बात यहाँ पर याद रखने को मिल जाती है, इरेक्शन को प्रमोट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं बल्कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो इरेक्शन के लिए कौन काम करता है? इरेक्शन को प्रमोट करने के लिए पैरासिंपैथेटिक, जबकि इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको समझना है कि सिंपैथेटिक नर्व रूट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपैथेटिक नर्व रूट्स के लिए यहाँ पर थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है। थोरैको लंबर आउटफ्लो जो कि आपको कैसे देखने को मिलता है उसको भी आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी आपको याद रखना है थोरैको लंबर आउटफ्लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जबकि क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो पैरासिंपैथेटिक नर्व रूट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो किसका है? पैरासिंपैथेटिक का। कौन कौन से क्रैनियल नर्व्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? तो 3, 7, 9 और 10 क्रैनियल नर्व्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। सैक्रल नर्व्स में 2, 3, 4 इसके साथ एसोसिएटेड होता है। जो भी लेक्चर्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये काफी हद तक आपको मैच करेगा कोलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, जो इंडियन ऑथर केडी त्रिपाठी की बुक है, उसमें काफी हद तक आपको इससे मदद मिलेगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मैं, उसके बाद केडी त्रिपाठी का जो कोलिनर्जिक सिस्टम और ड्रग्स का चैप्टर है उसकी मदद आपको काफी हद तक मिलेगी इस स्लाइड का जो हम प्रेजेंटेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, अगर ये थोरैको लंबर आउटफ्लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है तो ये कैसे काम करता होगा? अब हम इस बात को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कैसे आउटफ्लो जाएगा और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो कैसे जाएगा, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये है आपका क्रैनियो, और नीचे की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे की ओर अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वो सैक्रल रीजन से कुछ आउटफ्लो निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैक्रम से कुछ आउटफ्लो निकल रहा है, ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा है। आप यहाँ पर इसी आउटफ्लो की मदद से सारी चीजों को समझ सकते हैं।
हैं। आप देखेंगे सैक्रम रीजन से निकलने वाला जो आउटफ्लो है वो जेनिटेलिया और ब्लैडर को कंट्रोल करता है, जबकि बॉडी के बाकी सारे पैरासिम्पेथेटिक आउटफ्लो सीधे तौर पर क्रैनियम से निकलने वाले आउटफ्लो से कंट्रोल हो जाते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये चीज मैं यहां पर इस इमेज के माध्यम से शॉर्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहां पर देखें, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा बॉडी का जो कंट्रोल है वो क्रैनियल कंट्रोल है। आप देखें यहां पर पूरा का पूरा ये कंट्रोल, ये बल्कि वेगस नर्व के माध्यम से ये हो रहा है। बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं ये देखिए वेगस नर्व के माध्यम से यहां पर देखिए कंट्रोल हो रहे हैं। हार्ट, लंग, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, और जबकि बॉडी के जो निचले हिस्से हैं वहां का कंट्रोल, ब्लैडर और जेनिटेलिया का कंट्रोल ये सैक्रल आउटफ्लो से होता है। इसके अपोजिट जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए सिंपैथेटिक गैंग्लियन होती है। इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकलने वाले जो फाइबर्स हैं देखें वो हमारे बॉडी के उसी रिस्पेक्टिव पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ये थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलने वाले आउटफ्लो का पार्ट होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एक बेसिक आइडिया मिल गया है, अब इसके बाद सीधे तौर पर हम फार्माकोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे। अक्सर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन जगहों पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का साइट कौन कौन सा है। तो एसिटाइलकोलिन के बारे में आपको बता दें, ये सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। ये सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आप यहां पर देखेंगे चाहे वो एड्रिनल मेडुला का पार्ट हो, चाहे सिंपैथेटिक हो, चाहे पैरासिंपैथेटिक हो, या फिर आप यहां पर ऑटोनॉमिक के सारे पार्ट हो, या फिर सोमैटिक हो, इतना ही नहीं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एसिटाइलकोलिन का दखल या उसका योगदान देखा जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं, यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें या सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लें, हर एक जगह पर यह एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना देखा गया है। ज्यादा स्पेसिफिक होकर के बात करें तो मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हों या चाहे वो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हों या फिर पैरासिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, ये गैंग्लिया है। गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होंगे और इसके बाद होगा पोस्ट गैंग्लियनिक। तो इस गैंग्लिया से पहले जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने क्या रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन रिलीज किया है। ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी रिसेप्टर, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिंपैथेटिक हो। यहां पर ये किस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, एन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर को। इसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए एड्रिनल मेडुला का रिलीज होना देखा गया है तो ये आगे चल करके इस एसिटाइलकोलिन के प्रभाव में एड्रिनल मेडुला वाले आगे चल करके ये क्या रिलीज करते हैं, ये इपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। एड्रिनल मेडुला से केवल इपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ये पॉइंट बहुत ही खास है। एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर या जो भी कह लें न्यूरो हार्मोन कह लें वो इपिनेफ्रिन है, जबकि इसी के जैसा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं वो नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने द्वारा पोस्ट गैंग्लियोनिकली, अभी तो गैंग्लियन के बाद की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो इफेक्टर ऑर्गन पर जो रिलीज करते हैं ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर वो नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर इपिनेफ्रिन सबसे ज्यादा इसके बाद रिलीज किया जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। हालांकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ जगहों पर एसिटाइलकोलिन भी रिलीज करता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ मामलों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ मामलों में इफेक्टर ऑर्गन पर एक्ट करने के लिए एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। हालांकि मैक्सिमम मामलों में इफेक्टर ऑर्गन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। नॉरएपिनेफ्रिन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को महसूस करने के लिए, अल्फा रिसेप्टर होते हैं और बीटा रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। केवल कुछ ही मामलों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, वो भी मस्करानिक रिसेप्टर्स के द्वारा। इसका केवल एक एग्जांपल मिलता है स्वेट ग्लैंड में। तो स्वेट ग्लैंड में और कुछ ब्लड वेसल्स में, कुछ ब्लड वेसल्स को छोड़ दिया जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एस्टाइल कोलीन को नहीं रिलीज करता है। यही दो एक्सेप्शन है कुछ ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड जहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एस्टाइल कोलीन को रिलीज करता है, वरना अधिकतर मामलों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। इसको एक्ट करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए अधिकतर मामलों में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, वो कार्डियक स्मूथ मसल ग्लैंड सेल्स नर्व टर्मिनल्स पर पाए जाते हैं ये रिसेप्टर्स। और कुछ मामलों में जहां पर एस्टाइल कोलीन का होता है वहां पर मस्करैनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक ने नॉरएपिनेफ्रिन को अधिकतर मामलों में रिलीज किया, केवल कुछ ही एक्सेप्शंस में एस्टाइल कोलीन को रिलीज करते हैं। अब पोस्ट गैंग्लियनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पैरासिंपैथेटिक में रिलीज होता है वो 100% मामलों में एस्टाइल कोलीन ही होता है, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे जो पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो एस्टाइल कोलीन रिलीज करते हैं। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो मस्करैनिक रिसेप्टर्स आपको याद रखना है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है मस्करैनिक रिसेप्टर के द्वारा, देखिए जहां एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल को लेते हैं उसी के अपोजिट उन्हीं ऑर्गन्स में मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल को लेने के लिए यहां पर उन्हीं ऑर्गन्स में मस्करैनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो आप यहां पर देख रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई गैंग्लिया नहीं होती है, ये सीधे तौर पर एस्टाइल कोलीन को रिलीज करता है और इसे एक्सेप्ट करने के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर यहां पर डायरेक्टली होते हैं। तो यहां पर कई चीजें हम लोगों ने समझा, मस्करैनिक रिसेप्टर के बारे में समझा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं उसको आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल को जो नॉरएपिनेफ्रिन से रिलीज होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं जितने भी एड्रेनल मेडुला से रिलीज होने वाले इपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन को रिलीज करने के लिए, रिलीज होने के बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो रिलीज होने वाला एस्टाइल कोलीन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जिसमें कोई गैंग्लिया नहीं होती उसके सिग्नल को रिसीव करने के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर पाया जाता है। अब यहां पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में आपको एक बात और भी याद रखना है, जितने भी यहां पर आप देखें प्री गैंग्लियनिक सिग्नल को एक्सेप्ट करने के लिए गैंग्लियन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो निकोटिनिक होते हैं। आप यहां पर देखें निकोटिनिक का कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, मस्करैनिक का कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, एड्रेनर्जिक का कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सारी चीजों को हमें इस बेसिक इमेज के माध्यम से समझने में मदद मिली है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में CNS, ANS और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो आप इसको समझ लें SNS आप कह लें। तो यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में खास तौर पर मैंने आपको बताया है कि यहां पर सिंपैथेटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए और पैरा सिंपैथेटिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पैरा सिंपैथेटिक में आप देख रहे हैं या सिंपैथेटिक में अधिकतर मामलों की बात कर रहे हैं, आपको समराइज करना है। यहां पर देखिए एस्टाइल कोलिन प्री गैंग्लियनिकली एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है और उसको रिसीव करने वाला निकोटोनिक रिसेप्टर होता है। अब इसके बाद सिंपैथेटिक अधिकतर मामलों में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं और उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं यहां जो निकोटिनिक एस्टाइल कोलीन को निकोटिनिक ने रिसीव किया और इसके बाद इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स से रिलीज होते हैं पैरासिंपैथेटिक में एस्टाइल कोलीन, तो इसको रिसीव करने के लिए यहां पर मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आप केडी त्रिपाठी में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एस्टाइल कोलीन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ऑटोनॉमिक सोमैटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। सभी प्री गैंग्लियनिक साइट्स चाहे वो पैरासिंपैथेटिक के हों या सिंपैथेटिक के हों उनमें एस्टाइल कोलीन रिलीज होता है। वहीं पर आप देखेंगे पैरासिंपैथेटिक के जितने भी पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं वहां पर ये रिलीज होता है। सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियनिक में केवल स्वेट ग्लैंड और कुछ ब्लड वेसल्स के लिए, सिंपैथेटिक के केवल स्वेट ग्लैंड और ब्लड वेसल्स के लिए पोस्ट गैंग्लियनिकली भी एस्टाइल कोलीन रिलीज होता है। ये केवल दो ही ऐसे मामले हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स पर, मैंने आपको बताया था सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है जिसमें बिना गैंग्लिया के डायरेक्ट एक्शन होता है, तो वहां पर भी स्केलेटल मसल्स जो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम के तहत बिना गैंग्लिया के विदाउट गैंग्लिया जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलीन रिलीज होता है मस्करैनिक रिसेप्टर के द्वारा रिलीज होता है।
सकता है। यहाँ पर सीएनएस में कॉर्टेक्स हो, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड्स, इन सभी में भी एसिटाइल कोलिन एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या काम करता है तो आप देखेंगे, पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो इफेक्ट लास्ट में लाता है वो एसिटाइल कोलिन ही होता है। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पैदा करता है, जबकि आपको पता है कि सिंपेथेटिक में लास्ट में जो रिलीज होता है वो नार एड्रेनलिन या नार इपिनेफ्रिन रिलीज होता है। जबकि मैंने आपको बताया था, यहां पर आपको यही पॉइंट याद रखना है, ये न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर होता है, ये नार एड्रेनलिन या नार इपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को हम इस इमेज के माध्यम से समझ पाएंगे। यहां पर एसिटाइल कोलिन हमें बनाना है तो इसके लिए दो रॉ मटेरियल होते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरा कोलिन। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए मदद करता है माइटोकांड्रिया, जहां पर आप देखेंगे ये नर्व एंडिंग्स में बहुत बड़ी संख्या में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। नर्व एंडिंग्स में बहुत बड़ी संख्या में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, वो लगातार एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करते रहते हैं। तो एक रॉ मटेरियल मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और दूसरा चाहिए हमें कोलीन। तो एसिटाइल मिल गया, उसके बाद हम कोलीन को यहां जोड़ देते हैं। कोलीन कहां से होता है, कहां से मिलता है? ये मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनटेक किया जाता है कोलीन का। ये कोलीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बॉडी के भीतर लिया जाता है। इसे लेने के लिए यहां पर सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन चैनल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कोलीन को ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक चैनल होता है। आप समझ लें, बस सोडियम आयन डिपेंडेंट यहां पर एक ट्रांसपोर्ट चैनल होता है जिसके द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोलीन का इनटेक होता है। और इस इनटेक को अगर आप चाहें तो किसी ड्रग से आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसी बात को आगे हम चल करके पढ़ेंगे, हेमीकोलिनियम कोलिनियम ड्रग के द्वारा हम देखेंगे कि कोलीन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अपटेक नहीं होने देंगे। तो खैर, हमने क्या देखा, एक्सॉन के टर्मिनल पर माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाते हैं, और दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कोलीन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेकर के एक एंजाइम होती है, खास एंजाइम है जो इन दोनों को जोड़ती है। इस एंजाइम का नाम है कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो इन दोनों को जोड़ करके एसिटाइल कोलीन को फॉर्म कर देती है। तो इस तरीके से एसिटाइल कोलीन बन जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि एसिटाइल कोलीन को तो आप यहीं से पा ले रहे हैं, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को तो आप यहीं माइटोकांड्रिया से बना ले रहे हैं, लेकिन कोलीन को लेने के लिए आपको इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए कोलीन का ट्रांसपोर्ट रेट लिमिटिंग स्टेप है। किस रेट से कोलीन को अंदर लिया जाएगा यह तय करेगा कि एसिटाइल कोलीन कितना बनेगा। इसीलिए हमने ड्रग डिजाइन किया जो कोलीन को यहां पर इनटेक ना होने दे। तो हमने क्या किया, ऐसा ड्रग डिजाइन किया जो साइट नंबर 3 पर काम करे, वो कोलीन को ट्रांसपोर्ट ना होने दे सेल के भीतर, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यह तय करेगा कि कितना एसिटाइल कोलीन बन पाएगा। आप देख रहे हैं, इसके बाद ये बनने के बाद एसिटाइल कोलीन आगे की ओर रिलीज किया जाएगा। इस रिलीज करने की प्रक्रिया में यहां कैल्शियम आयन का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे कंट्रीब्यूशन होता है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैल्शियम आयन एंटर करता है चैनल के द्वारा और वो इससे बाइंड करता है। इसके साथ ही साथ यहां पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी इसके साथ जुड़ती हैं। इसको मेंशन किया गया है केडी त्रिपाठी में भी, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है जो इसके साथ जुड़ती हैं, और इसके बाद इसको एक्सपेल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको जो वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो फॉर्म हुआ है एसिटाइल कोलीन का, इसको रिलीज किया जाता है। तो ये टर्मिनल मेम्ब्रेन पर ये वेसाइकल्स पहुंच करके, टर्मिनल मेम्ब्रेन्स पर ये पहुंच करके रिलीज कर दी जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस रिलीज होने को ब्लॉक कर सकते हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए एक स्पेशल टॉक्सिन्स, बॉटुलिनम टॉक्सिन्स काम करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये रिलीज करने को भी आप एक खास किस्म के डिजाइन कर सकते हैं ड्रग को या टॉक्सिन्स को, जिसके द्वारा आप देखेंगे एसिटाइल कोलीन के रिलीज करने की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर एसिटाइल कोलीन के वेसाइकल्स को रिलीज होने के प्रोसेस को रोकना है तो हमें बॉटुलिनम टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करना होता है। खैर, अगर मान लीजिए रिलीज हो गया तो क्या होगा, ये एसिटाइल कोलीन कोलिनर्जिक रिसेप्टर
ऑर्डर्स पर काम करते हैं, और काम करने के बाद जो जब इनका एक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये मेटाबोलाइज होते हैं। इनको मेटाबोलाइज करने के दौरान एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम काम करता है। एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम काम करता है और इसे मेटाबोलाइज करके वापस तोड़ देता है कोलीन और एसिटेट में। ये कोलीन का रीअपटेक वापस दोबारा कर लिया जाता है। तो यहां पर देखें, कोलीन का रीअपटेक होता है और एसिटेट अलग कर दिए जाते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं एस्टाइल कोलीन का एक्शन, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के रिसेप्टर पर हुआ, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर हुआ, उसके बाद एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इसे मेटाबोलाइज करके इसे तोड़ देता है। तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से ड्रग कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया से एस्टाइल कोलीन आपको रिलीज होते हुए मैंने आपको बताया कि एस्टाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, जबकि कोलीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लिया जाता है। यहां पर एक खास किस्म का ड्रग डिजाइन किया जा सकता है, हेमी कोलिनियमस, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो हेमी कोलिनियम्स ये एक ड्रग जो कि कोलीन को एक्स्ट्रा सेलुलर साइट से भीतर नहीं आने देगा। माफ कीजिएगा, इसके पहले मैंने ड्रग का नाम थोड़ा सा पूरा सही से नहीं बोल पाया था, तो उसको आप देख लेंगे। ये हेमी कोलिनियम्स ड्रग इस कोलीन को अंदर एंट्री करने से रोकता है। खैर, यहां पर एक खास किस्म का एंजाइम है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। उस एंजाइम को हमें याद रखना होगा। वो एंजाइम इन दोनों को जोड़ करके एस्टाइल कोएंजाइम ए और कोलीन को जोड़ करके एस्टाइल कोलीन बनाने में मदद करता है। नाम क्या है इसका? कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद ये अंदर की ओर सिनेप्टिक वेसाइकल्स के भीतर जाने का प्रयास करता है। इसकी एंट्री को आप चाहे तो एक खास किस्म के ड्रग्स के द्वारा रोका जा सकता है, जिसको हम वेसामिकॉल कहते हैं। तो ये ड्रग खास तौर पर यहां पर काम करता है। मान लीजिए ये वेसाइकल्स के रूप में ये बन भी जाएं, तो उसके बाद इनके वेसाइकल्स को रिलीज होने के लिए मैंने आपको बताया था कैल्शियम चैनल की मदद लेनी पड़ती है। कैल्शियम चैनल इसमें काम करते हैं। कैल्शियम चैनल से रिलीज होने के माध्यम से कैल्शियम सेल के भीतर पहुंचता है, और यहां पर जब कैल्शियम की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन, ये इंक्रीज कंसंट्रेशन जो टर्मिनल यहां एंडिंग पे जो मिल रही है, कैल्शियम लगातार अगर अंदर पहुंचता रहेगा तो इसके कारण स्टोरेज वेसाइकल्स डिस्टेबलाइज हो जाती हैं ये स्टोरेज वेसाइकल्स, और ये खास किस्म के कुछ प्रोटीन्स का यहां पर रोल देखा जाता है। ये डिस्टेबलाइज्ड वेसाइकल टर्मिनल्स पर जाकर के रिलीज कर दिए जाते हैं। यहां पर एक बात याद रखना होगा, ये डिस्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो यहां पर कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आप देखें यहां पर VAMPs, ये खास किस्म का प्रोटीन है जिसके साथ इंटरेक्शन होता है कैल्शियम आयंस का। इसके कारण सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो हैं ये अनस्टेबल हो जाती हैं। यहां पर कुछ खास किस्म के यहां प्रोटीन्स हैं, उनका भी हमें देखना पड़ेगा। इसमें खास दो प्रोटीन्स का नाम आता है, एक VAMPs है और दूसरा है SNAPs। तो यहां पर आप देखें SNAPs, ये है सिनेप्टोसोम्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, और ये VAMPs, ये वेसाइकल एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं, इनका अपना यहां पर रोल होता है। यहां पर VAMPs का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये है वेसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये है सिनेप्टोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या जो भी कह लें आप, ये कह लें सिनेप्टोसोम्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स। आगे चलकर के मैं इसके बारे में बताऊंगा। खैर, यहां पर देखिए कैल्शियम आयंस का किससे इंटरेक्शन हुआ, यहां पर इंटरेक्शन हुआ वेसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन से, जिससे वेसाइकल अनस्टेबल होती है और ये एस्टाइल कोलीन को रिलीज कर देती है। ये रिलीज हो जाने के बाद मैंने आपको बताया कि इसकी प्रक्रिया ये होगी कि ये एस्टाइल कोलीन रिलीज हो जाने के बाद आगे पोस्ट सिनेप्टिकली ये एक्ट करता है। अब इसके एक्शन को अगर आप रोकना चाहते हैं, इसके वेसाइकल्स को रिलीज होने से रोकना चाहते हैं, तो बॉटुलिनम टॉक्सिन्स का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। अब यहां पर क्या होगा, एस्टाइल कोलीन अपने रिसेप्टर्स पर जाकर के काम करते हैं, कोलिनो रिसेप्टर्स पर जाकर के काम करते हैं। इसके अलावा ये एस्टाइल कोलीन फीडबैक भी देते हैं।
ये एसिटाइलकोलाइन देखें आप, ये आगे अपने रिसेप्टर्स पर काम करते हैं और ये अपना निगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई मैं सफिशियंट अमाउंट में पहुंच चुका हूं, अब आप और रिलीज ना करें। तो इसके लिए यहां पर क्या होता है, प्री सेनेप्टिकली एसिटाइलकोलाइन के रिसेप्टर्स भी होते हैं, एसिटाइलकोलाइन ऑटो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। इस चीज को आप पूरी इमेज में अभी मैं इसको समराइज करूंगा। तो यहां पर देखिए एसिटाइलकोलाइन के अपने रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब ये यहां से एसिटाइलकोलाइन आगे पहुंच करके गया, इसने कोलिनो रिसेप्टर्स पे काम किया, उसके बाद एसिटाइलकोलाइनेज एंजाइम इसे मेटाबोलाइज कर देती है। इतनी सारी प्रक्रिया हमने देखा। चलिए अब हम लोग उन्हीं सारी चीजों को एक बार समराइज करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे। लगभग वैसा ही इमेज यहां पर दिया हुआ, इसलिए उन सारी चीजों को एक मेमोरी मैप बनाने में आसानी रहेगी। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसमें एसिटाइलकोलाइन्स पाए जाते हैं, हम उसी के इर्द गिर्द आज बात करनी है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जिसमें एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ये सिनेप्टिक पोर्शन पर ये कंसंट्रेटेड होता है। देखिए ये बन रहा है एसिटाइलकोलाइन और ये आगे चल करके रिलीज किया जाएगा। एसिटाइलकोलाइन बनता कैसे है, एसिटाइलकोलाइन एसिटाइलकोएंजाइम ए की मदद से बनता है, आप यहां पर देख रहे हैं, और दूसरा कोलीन के मदद से बनता है। इसके लिए एक खास किस्म का एंजाइम कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज इसके लिए काम करता है, उसके बाद ये बन जाते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कंट्रीब्यूट करता है एसिटाइलकोएंजाइम ए को बनाने के लिए, और कोलीन जो फॉर्म जो हमें प्राप्त होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से प्राप्त होता है। और ये कैसे सेल के भीतर जाएगा, तो सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कोलीन को ट्रांसपोर्टर एक चैनल है जो कि इसको कैरी करके अंदर तक पहुंचाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सोडियम आयन के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कोलीन भी पहुंच गया। अब ये कोलीन और सोडियम आयन दोनों साथ साथ पहुंचते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या कहते हैं, सोडियम आयन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कोलीन को ट्रांसपोर्टर ये यहां पर पहुंच जाता है। अब इसे ब्लॉक करना हो इस चैनल को, तो हम हेमिकोलिनियम्स का इस्तेमाल होते हुए यहां पर एक ड्रग्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ये स्टेप जिसमें ये एंटर करता है सेल के भीतर, ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स है, ये खास बात है। काफी कंफ्यूजन होता है, जो केडीटी की बुक्स है मैंने उसी की मदद लिया है, क्योंकि काफी हद तक मुश्किल होता है इसे समझना। अब यहां पर देखेंगे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की बात, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये सिंथेसाइज तो हो गया, मान लीजिए यहां तक ये सिंथेसाइज हो गया, अब ये रिलीज कैसे किया जाएगा। तो जो सिंथेसाइज्ड एसिटाइलकोलाइन है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये एक कुछ यहां पर आप देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू वेसाइकल्स। ये यहां पर देखिए साइटोप्लाज्म में बना, उसके बाद ये वेसाइकल्स में आएगा, और यहां पर एक खास किस्म का एक प्रोटॉन पंप यहां पर काम करता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक खास किस्म का पंप जो कि यहां पर काम कर रहा है, ये एंटीपोल्टर है जो कि प्रोटॉन को रिमूव करता है और अंदर इसको ले जाने के लिए मदद करता है। तो यहां पर इसको मैंने आपको पहले बता रखा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये वेसाइकल्स के भीतर आ गए। यहां पर एक खास किस्म की डिजाइनिंग दूसरी ड्रग की हुई जिसको हम कहते हैं वेसामिकॉल। ये वेसामिकॉल चाहे तो इस एसिटाइलकोलाइन को वेसाइकल्स के रूप में नहीं आने देगा। खैर, अब तीसरी ड्रग की डिजाइनिंग होती है जिसमें वेसाइकल्स बन जाने के बाद अब इसको रिलीज करने के लिए जरूरी यह है कि बाहर से कैल्शियम आयन की एंट्री हो। तो बाहर से कैल्शियम आयन की जब एंट्री होती है तो इसके कारण, जब बाहर से बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन की एंट्री होगी तो इसके कारण ये एक्शन पोटेंशियल अपने टर्मिनल तक पहुंचता है, और यहां पर इन्फ्लक्स जो कैल्शियम आयन का हुआ है इसकी वजह से अब यहां जो स्टोरेज वेसाइकल्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन एक खास किस्म के प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है, VAMPs के साथ। यहां पर देखिए कैल्शियम आयन एंटर किया और इसने यहां पर पाए जाने वाले खास किस्म के प्रोटीन्स VAMPs के साथ इंटरैक्ट किया, जिसके कारण वेसाइकल्स डिस्टेबलाइज हो गए। और ये इसके अलावा यहां पर SNAMPs यानी SNAP सिनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी यहां पर होते हैं जो इसमें मदद करते हैं इस वेसाइकल को डिस्टेबलाइज करके टर्मिनल एंड्स पर रिलीज होने के लिए। तो इस दौरान होगा क्या, फ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म होगा, जो कि फ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनेगा, यहां पर सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो यहां पर फॉर्म हुई हैं, जो वेसाइकल्स जो फॉर्म हुआ है ये टर्मिनल मेम्ब्रेन्स पर जाकर के फ्यूज करेगा और ये एक्सोसाइटोटिक एक्सपल्सन होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के भीतर एसिटाइलकोलाइन का। अब एसिटाइलकोलाइन रिलीज किया जाता है
है ये प्रोसेस हमने देखा। यहां पर ये रिलीज ना हो इसके लिए भी हम एक टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसको रिलीज होने को रोके, वो है बॉटुलिनम टॉक्सिन्स। अब इतनी सी बात हमने समझ लिया, यहां पर एक बात और समझना है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाने के बाद ये इसके अपने आगे फर्दर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कोलिनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं, यहां पर देखिए ये रिसेप्टर्स हैं और ये अपना फीडबैक भी देता है एसिटाइलकोलिन ऑटो रिसेप्टर्स के माध्यम से भी। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में कंप्लीट आइडिया लगता है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे अपने वेसाइकल्स के रूप में फॉर्म होता है, कैसे ये रिलीज होता है और कैसे ये नेक्स्ट आगे बढ़ करके ये बनता है। अब आगे हमें इसके डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस के बारे में बात करना है। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, रिलीज हो जाने के बाद एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर जाकर के जुड़ता है और इस दौरान एक खास किस्म का एंजाइम है जो इसे मेटाबोलाइज कर लेता है। तो ये एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम इसे स्प्लिट करता है कोलिन और एसिटेट के रूप में और यहां पर ये देखिए यहां पर ये एसिटाइलकोलिन का जब मेटाबोलिज्म जब हो जाएगा एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा तो यहां पर कोलिन और एसिटेट रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पर अधिकतर कोलिनर्जिक जो एप्सेस होते हैं वहां पर आप देख रहे हैं वहां एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम पाया ही जाता है। इस चीज को हम लोगों ने पिछले इमेज में भी देखा था, एसिटाइलकोलिनेस्टेज एक खास किस्म का एंजाइम है जो इसे मेटाबोलाइज करने के लिए मदद करता है। अब एक खास इंफॉर्मेशन और भी है, एसिटाइलकोलिनेस्टेज ये पोस्ट सिनेप्टिकली यहां पर आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं जो इसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर लिया था। इसके साथ ही साथ कुछ दूसरे किस्म के कोलिनेस्ट्रेजेस भी पाए जाते हैं जिनका एसिटाइलकोलिन के लिए उतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती लेकिन वो पाए जाते हैं, वो ब्लड में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं, ग्लियल टिश्यू और बहुत दूसरे जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं उनमें पाए जाते हैं। यहां पर हमें एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी होनी चाहिए। यहां पर एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम जो कि मेटाबोलाइज करता है एसिटाइलकोलिन को, वो कैसे मेटाबोलाइज करता है, इसके पास दो साइट होते हैं, एक एनायनिक साइट और दूसरा एस्ट्रिक साइट। एनायनिक साइट पर आप देखेंगे एसिटाइलकोलिन का अलग अलग शेप, जो एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसके दो साइट होते हैं, एक एनायनिक साइट और दूसरा एस्ट्रिक साइट। ये एस्ट्रिक साइट पर सेरीन यहां पर आप देख सकते हैं और ये एनायनिक साइट जिसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, इन दोनों ही साइट में एसिटाइलकोलिन जाकर के फिट होता है और उसके बाद इसका एसिटाइल पार्ट इधर ब्रेक होता है और कोलिन वाला पार्ट इधर ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर दो पार्ट्स में ब्रेक होने के लिए यहां पर एक ग्रूव्स बने होते हैं जिसके द्वारा ये काम करता है। तो यहां हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो इस साइट पर आकर के बैठ जाते हैं। तो उससे होता क्या है, जैसे यहां पर अगर कोई सब्सटेंस आकर के बैठ जाए तो होगा क्या, एसिटाइलकोलिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो उससे होगा क्या, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। यही बात होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में या फाइसोस्टैग्मिन के पॉइजनिंग में। तो आप सॉरी फाइसोस्टैग्मिन के एक्शन में, न्यूस्टैग्मिन के एक्शन में आप देखेंगे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हम बात करते हैं, मेलाथियन पैराथियन की बात करते हैं, तो वहां पर इसी तरीके का कुछ एक्शन होता है जिसमें हम एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज नहीं होने देते हैं। तो इससे होता क्या, लंबे समय तक इसका एक्शन बना रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीके के एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, एक ट्रू और वो जो स्यूडो है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, लीवर इंटेस्टाइन और व्हाइट मैटर में पाया जाता है। ट्रू एसिटाइलकोलिनेस्टेज ये सभी कोलिनर्जिक साइट्स पर पाए जाते हैं, आरबीसी और ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। इनका एक्शन एसिटाइलकोलिन पर काफी फास्ट होता है और इनका एसिटाइलकोलिनेस्टेज का जो एक्शन होगा वो स्लो होता है। फंक्शन क्या होता है, ये टर्मिनेट करते हैं इसके एक्शन को, जबकि ये एसिटाइलकोलिनेस्टेज ये एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इनहिबिशन कैसे होगा, तो इसका इनहिबिशन जो इस एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम को कैसे इनहिबिट करते हैं, तो ट्रू एसिटाइलकोलिनेस्टेज फाइसोस्टैग्मिन के द्वारा ज्यादा तेजी से इनहिबिट होता है, जबकि स्यूडो एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम्स का जो एक्शन है वो इनहिबिट करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स काम करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता भी रखा है कि जो मैंने आपको बताया था ना, दो साइट्स होते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेज में, वहां जाकर के अगर ये बाइंड कर गए, कौन, ये फाइसोस्टैग्मिन या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो एसिटाइलकोलिनेस्टेज जो एंजाइम है ये काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है, फाइसोस्टैग्मिन के द्वारा ट्रू एसिटाइलकोलिनेस्टेज का
का इनहिबिशन होता है, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट स्यूडो एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज इसको इनहिबिट करते हैं। अब सवाल यह है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, तो मैं आपको बता दूं आगे चल करके हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, हमें बहुत सारी संख्या में हमें पढ़ना है पैरासिम्पैथोमेमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जो एस्टाइल कोलिन की तरीके से एक्शन रखते हैं या फिर एस्टाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ा देते हैं। यहां पर हमें समरी ये बनाना है कि हमें पैरासिम्पैथोमेमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। वो होते हैं जो या तो डायरेक्टली एस्टाइल कोलिन की तरीके से काम करते हैं, यानी नए नए तरीके से एस्टाइल कोलिन के फॉर्म बनाने लगेंगे, यानी अगर बॉडी में 10 नेचुरल एस्टाइल कोलिन था तो उसके कंपैरिजन में आर्टिफिशियल एस्टाइल कोलिन की सप्लाई कर देते हैं, वो हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमेमेटिक ड्रग्स। इसमें आप देखेंगे एस्टाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकॉल, बेथानेकॉल, पाइलोकार्पिन्स आते हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो ये करते क्या हैं? ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये जो ऑलरेडी हमारे पास मान लीजिए 10 नंबर्स में नेचुरल एस्टाइल कोलिन जो था उसको मेटाबोलाइज नहीं होने देते, उसको टूटने नहीं देते हैं, वो टूटने नहीं पाएगा तो लंबे समय तक वो एक्ट करेगा। तो ये एंटी एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एक्टिविटी रखते हैं, यानी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम था उसके एक्टिविटी को ये स्लो डाउन कर देते हैं, तो इसके कारण लंबे समय तक, मतलब समझ पा रहे हैं, ये मेटाबोलाइज अगर नहीं होगा तो इसका लेवल लंबे समय तक काफी देर तक हाई बना रहेगा, तो भी एस्टाइल कोलिन का एक्शन आप ले सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में यही होता है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो एस्टाइल कोलिन के वो जो बाइंडिंग साइट थी उसको रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, इसमें फाइसोस्टैग्मिन, न्यूस्टैग्मिन, एड्रोफोनियम के बारे में हमें पढ़ना होगा, जबकि इरिवर्सिबली जो एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाले हैं उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन्स के बारे में हमें पढ़ना है, कार्बामेट्स के बारे में पढ़ना, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बस आपको बेसिक जानकारी दे रहा था कि एस्टाइल कोलिन को या तो आप बाहर से सप्लाई दे दीजिए या फिर एस्टाइल कोलिन को मेटाबोलाइज नहीं होने दीजिए, तो इसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम है उसको आप ब्लॉक किए रहिए, ताकि अगर ये एंजाइम नहीं काम करेगा तो एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ा रहेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है, आप इनडायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब एक और तरीका है यहाँ पर काम करने का, वो है तो इसके अपोजिट जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक्स क्या हैं? उनके बारे में जान लें। वो एस्टाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो वो कैसे इनहिबिट करेंगे? दो तरीका है, या तो एस्टाइल कोलिन को बनने न दिया जाए, या फिर अगर वो बन गए हैं तो उनको एक्ट न करने दिया जाए, यानी उनको अपने रिसेप्टर्स जिस पर वो काम करते हैं वहां काम न करने दिया जाए। तो इसके लिए एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एस्टाइल कोलिन एक्टने का जो काम करते हैं वो एंटी कोलिनर्जिक्स हैं। एंटी कोलिनर्जिक्स ये कैसे काम करते हैं? ये मस्करैनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर जाकर के जुड़ते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से इसके बारे में हमें पढ़ना है, हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे जाकर के मस्करैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, इनके कितने क्लासिफिकेशन हैं। एक तरीका ये तो हमने देखा, इसके अलावा जब मैंने एस्टाइल कोलिन को बनते हुए जब मैंने आपको बताया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कई अलग अलग तरीके से काम किया जा सकता है, जैसे हेमिकोलिनियम, वेसामिकॉल और बॉटुलिनम टॉक्सिन्स, वो सभी के सभी क्या कर रहे थे? उस समय एस्टाइल कोलिन के फॉर्मेशन को रोक रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि इसके फॉर्मेशन को क्यों कम किया जाता है, किन किन बीमारियों में इसका मदद लिया जा सकता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का? तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ये काम करते हैं एंटी एमेटिक्स या एंटी वर्टिगो ड्रग्स के रूप में। इसके अलावा ये काम करते हैं एंटी पार्किंसंस ड्रग के रूप में, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स के रूप में। आप इसको अगर आप देखें तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक मोटेलिटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा बढ़ता है, उसको आप स्लो डाउन कर दें तो गैस्ट्रिक सारी जो एक्सेसिव एक्टिविटी है, चाहे ऊपर की ओर बढ़ने वाला, चाहे वो एमेटिक हो या फिर स्पाज्मोटिक हो, उसको आप कम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एंटी स्पाज्मोटिक या फिर एंटी एमेटिक या फिर एंटी वर्टिगो, एंटी पार्किंसंस, एंटी माइग्रेन, ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन भी आप देख सकते हैं, और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट ये हैं कि ये यहां पर एंटी एरिदमिक ड्रग्स के रूप में इनका साइड इफेक्ट्स देखा गया है कि ये एंटी एरिदमिक इनका साइड इफेक्ट्स होता है, और यहां एंटी डायरियल क्यों?
क्योंकि आप देखेंगे यहां पर अगर डायरिया हो रहा है तो इसको दिए जाने पे क्या होगा, डायरिया रुक जाता है। एंटी हिस्टामिनिक एक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी इनकी होती है और यहां पर एंटी अल्सर एजेंट्स के रूप में भी ये इस्तेमाल होते रहते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा इस पॉइंट को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को स्लो डाउन करेगा, तो इस वजह से एंटी स्पाजमोटिक और एंटी एमेटिक और एंटी पार्किंसंस ड्रग के रूप में, एंटी माइग्रेन ड्रग्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं उसके बारे में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरा मकसद बस ये था कि हम एसिटाइलकोलिन के बारे में एक बेसिक आइडिया बना लें, जिसमें हम समझ लें कि एसिटाइलकोलिन का लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, एसिटाइलकोलिन बनते कैसे हैं, उन पर एक्शन कैसे होता होगा।